स्मार्ट सिटी को करने होंगे स्मार्ट काम। स्मार्ट सिटी सागर को एलिवेटेड कॉरिडोर बनाकर यातायात से निजात दिलाएं, साथ ही शहर को कुछ नया करके स्मार्ट सिटी अपनी पहचान स्थापित करें, तभी सागर का स्मार्ट सिटी बनने का सपना सार्थक होगा। उप विचार नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह ठाकुर ने सागर में शनिवार को स्मार्ट सिटी कमांड कंट्रोल सेंटर के सभा कक्ष में स्मार्ट सिटी के कार्यों की समीक्षा बैठक में व्यक्त किए। इस अवसर पर सांसद राज बहादुर सिंह, सागर विधायक शैलेंद्र जैन, कलेक्टर दीपक सिंह, नगर निगम आयुक्त आरपी अहिरवार, स्मार्ट सिटी सीईओ सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। स्मार्ट सिटी को लेकर बैठक थी आपकी, किन विषयों पर चर्चा हुई? देखिए, आज जो हमारा सागर स्मार्ट सिटी प्लान है उसकी समीक्षा बैठक यहाँ पर थी, जिसमें माननीय सांसद जी, विधायक श्री शैलेंद्र जी और सभी अधिकारी उपस्थित थे। सागर स्मार्ट सिटी भारत सरकार ने, माननीय मोदी जी ने सागर के लिए स्वीकृत की है और स्मार्ट सिटी का एक पूरा प्लान, कंसेप्ट प्लान बना हुआ है, उसको हम लोगों ने देखा है और उसमें जो हम लोगों की प्राथमिकताएं हैं, विशेष रूप से अगर देखें तो सागर के अंदर जो चकरा घाट से लेकर मेडिकल कॉलेज तक के बीच में जो ट्रैफिक की समस्या है, वहाँ पर तालाब के किनारे जहाँ रोड बन सकता है वहाँ रोड, जहाँ फ्लाईओवर बन सकता है वहाँ पर फ्लाईओवर बनाने के प्रोजेक्ट बनाने के निर्देश हम लोगों ने दिए। दूसरा, सागर में अच्छे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हों, इसके लिए 2 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने पर विचार हुआ है, एक गवर्नमेंट स्कूल के मैदान की जो जगह है वो, और दूसरा जो नगर निगम का स्टेडियम है वो, दोनों को मिलाकर इसका एक कॉम्पैक्ट प्लान बनाने का चर्चा हुई है। एक आदर्श रोड या एक स्मार्ट रोड जिसको कह सकते हैं वो पहले से प्रस्तावित है। तालाब का पूरा डिसेंट्रलाइजेशन, बाकी सारा काम, सौंदर्यीकरण, ये सारा काम हो रहा है, उसके टेंडर वगैरह हो गए हैं। एक वो है हमारे शहर के जो पार्क हैं, उन पार्कों को सुविधाओं से युक्त हों और व्यवस्थित हों और अच्छे पार्क बने, उसके बारे में इसमें प्लान है। जो हमारे पुरानी जो ऐतिहासिक धरोहर हैं उनके लिए है, जो हमारा इलेक्ट्रिक शमशान घाट है उसके लिए उसमें प्रोविज़न है। सागर का ट्रैफिक प्लान का पूरा हम लोगों ने कहा है कि सागर का ट्रैफिक प्लान का फिर से सर्वे कराएँ और सर्वे कराकर ट्रैफिक प्लान व्यवस्थित सागर का हो जाए, इसके लिए भी बातचीत हुई है। इसके साथ साथ जो डेयरियों का विस्थापन का मामला है उस पर भी बातचीत हुई है और डेयरियों का विस्थापन शीघ्र हो इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे और भी जो विकास के शहर को लेकर प्रस्ताव हो सकते हैं। कितने संतुष्ट हैं आप? देखिए, अभी शुरुआत है और शुरुआत में काम हुए हैं, अब कामों में जो काम होना है, बड़े काम, उनकी कार्रवाई शुरू होगी। तालाब का टेंडर हो गया है, रोड का भी टेक्निकल रेट हो गई है, तो बड़े काम अब शुरू होंगे। सागर के लिहाज से ट्रैफिक सिग्नल हैं जिसमें पास पास लग गए हैं, ट्रैफिक सिग्नल नहीं चालान दिए, तो सागर के लिहाज से वो उसके बारे में फिर से रिव्यू करने के लिए कहा है और कलेक्टर महोदय खुद जाकर ये सारी चीज़ें देखेंगे, वो निर्देश दिए हैं। कलेक्टर स्वयं एक बार सारी समीक्षा करेंगे और बाकी काम तेज गति से हो। इसमें अभी वर्तमान में 1,000 करोड़ रुपए का फंड भारत सरकार ने और राज्य सरकार ने मिलकर स्वीकृत किया है और इसके काम जल्दी हो, फिर आगे और जो पैसे की आवश्यकता होगी वो हम लोग व्यवस्था करेंगे।